अनादि आदि स्वरूप का अभ्यास। बाप दादा के महावाक्य, पहले अपने को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। भगवान उवाच, मैं कल्प 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 के संगम युग पर इस धरा पर अवतरित होकर वही सत्य गीता ज्ञान सुनाता हूं, जिसे सुनकर साधारण मनुष्य देव पद को प्राप्त करते हैं। सोमान, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का राजा अर्थात मालिकपन की स्मृति द्वारा राजयोग की सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। योगाभ्यास। हे आत्मा, आप तो बहुत सुंदर हो, बहुत शक्तिशाली हो, आपका ओरिजिनल स्वरूप तो बहुत ही आकर्षक व न्यारा है। आप इस देह के भान में आकर रूप बन पड़ी हो, माया की इस मायावी जाल में फंसकर आप काली हो गई हो। आपका वास्तविक ओरिजिनल स्वरूप ऐसा नहीं है। आप बीज रूप, निराकार, परम पिता परमात्मा शिव की अजर, अमर, अविनाशी संतान, मास्टर बीज रूप। जब आप संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त कर रही थी, तो आप में सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत का संपूर्ण ज्ञान इमर्ज रूप में था। आप ही स्वदर्शन चक्रधारी के स्वमान से अलंकृत हुआ करते थे। आपका देवताई स्वरूप संपूर्ण सतो प्रधान डबल अहिंसा सर्व गुण संपन्न था। आप विकारों की हिंसा व बाहुबल की हिंसा अथवा वाणी व कर्म द्वारा
की जाने वाली हिंसा से पूर्णतया इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप में थे। आपकी दृष्टि रूहानी दिव्य अलौकिक हुआ करती थी। यह तो माया का परछाया पड़ जाने से विकारों रूपी रावण के वश हो जाने से आप अपना सत्यत्व सुख शांति का वर्षा गवाकर अत्यधिक दुखी बन पड़े हो। इस विकारों से भरी दुनिया में भी आप समान हितकारी सहयोगी विशाल बुद्धि निश्चल और कोई भी नहीं है। विकारों की दुबन में फंसकर आप अपने अनादि सो आदि सतो प्रधान स्वरूप को भूल गए थे। अब संगम युग की इस श्रेष्ठतम वेला पर बीज रूप परमात्मा शिव फिर से वही सत्य गीता ज्ञान अर्थात श्रेष्ठतम श्रीमत् देकर संपूर्ण सतो प्रधान बनने की शिक्षा दे रहे। सो हे आत्मन अब जागो। अज्ञान रूपी निद्रा को त्याग कर परमात्मा शिव द्वारा दिया जा रहा सत्य गीता ज्ञान स्वयं में धारण कर अपना कल्प कल्प का अविनाशी स्वर्गिक राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त करने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। ओम शांति।